आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग एक अमेजिंग पजल करेंगे, जिसको आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि इसमें 8 बाइक्स होते हैं और 8 बाइक्स पे बाइकर्स होते हैं, बैठे होते हैं, और वो बाइक्स एक ही डायरेक्शन में चलती है, यानी एक ही जगह से चालू होता है सेम टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में चलती जाती हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो उनका इंजन है, यानी अगर उनका इंजन में फ्यूल यानी जो आयल है वो अगर फुल है तो वो बाइक 200 किलोमीटर तक जाएगी, यानी उस फुल इंजन आयल से। तो आपसे पूछा है कि अगर एक बाइक को हमें मैक्सिमम दूरी तक ले जाना है, चाहे आप तेल ले सकते हो दूसरे बाइक को, ठीक है, बोला है कि यू कैन यूज़ द आयल ऑफ अदर बाइक आल्सो, तो आप बताइए एक बाइक कितना मैक्सिमम दूरी जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, यानी 8 बाइक थे, उसमें बाइकर थे और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक ही टाइम पर स्टार्ट हुआ और एक ही डायरेक्शन में सभी मूव कर रहे हैं, वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सभी मूव कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे बोला है कि एक बाइक कितना मैक्सिमम दूरी जा सकता है, और यहाँ पर आपसे ये बोल दिया गया है कि आप दूसरे बाइक का आयल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बाइक कितना मैक्सिमम दूरी जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो आप इसे एक बार सॉल्व करो और सोचो कैसे हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा क्वेश्चन क्या था कि 8 बाइक्स थे, अगर फुल इंजन है, फुल इंजन आयल, ठीक है, तो कितना जाना है इसको, 200 किमी चला जाएगा, फुल इंजन आयल पे 200 किमी, यानी अगर पूरा इंजन आयल भरा है तो 200 किमी जाएगा। 8 बाइक्स है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुए बाइक्स, ऐसे यहाँ से बाइक सभी एक ही डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मतलब अगर ये नॉर्थ जा रहा है तो सभी नॉर्थ जाएंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया सेम टाइम पर स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, यही एक जगह था जहाँ से स्टार्ट किया। अब ये ऐसे चलते जा रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि कोई एक बाइक, एनी वन बाइक्स कितना मैक्सिमम दूरी जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, आते क्लियर, मैक्सिमम डिस्टेंस कोई एक बाइक कितना जा सकता है, और यहाँ पर बोल दिया कि आप दूसरे बाइक का तेल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सिंपली अगर सोचना चालू करो, तो मान लो इसके पास फुल इंजन, सबके पास आयल पूर्ण है, यानी कंप्लीट इंजन वाले हैं, फुल इंजन वाले हैं सब, फुल इंजन आयल, यानी कंप्लीट इंजन आयल है, पूरा भरा हुआ है, तो ये 200 किमी जाएगा, ये भी 200 किमी, ये भी 200 किमी जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर तो 200 किमी समझ में आ रहा है कि सब 200 किमी जाएंगे, लेकिन आपसे बोला है कि आप आयल दूसरे बाइक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कौन, कोई भी बाइक कितना मैक्सिमम दूरी जा सकता है, कोई एक बाइक, ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोल दिया कि आयल हम यूज कर सकते हैं। तो अब अगली बार आप क्या थिंक करोगे कि आप बोलोगे कि यहाँ पर इवन लोग हैं, इवन मतलब आप समझ रहे हो, 4 लोग, 8 लोग हैं, ठीक है, तो हमने 4-4 का पोर्शन बना दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, बोल दूंगा कि चलो इनको हम हाफ मतलब आधा इंजन आयल तक चलाते हैं, हाफ इंजन आयल तक चलाते हैं, यानी आधा इंजन का आयल खत्म करते हैं, तो ये कितना जाएंगे, ये वाला यहाँ तक 100 किलोमीटर जाएगा, सभी 100 किलोमीटर जाएंगे, सभी 100 किलोमीटर जाएंगे, क्योंकि पूरे इंजन आयल पे 200 किमी जाएंगे, तो अगर हाफ इंजन आयल खत्म करते हो तो 100 किमी सभी जाएंगे। अब क्या करना है 100 किमी के बाद, अब जैसे ही ये चारों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले बाइक्स, तो इनमें आधा इंजन का आयल बचा, तो ये इंजन आयल इसको दे देंगे, किसको, ऊपर वाले को, जैसे ये ऊपर वाले को देंगे तो ये इनका भी क्या था, आधा था, ऐसे पूरा पहले पूरा था, ठीक है, संभाल लीजिए पहले पूरा था, अब कितना है, आधा आधा है, सब ऐसे बना लीजिए आधा था, ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने सबको दे दिया, ऊपर वाले सबको दे दिया, ठीक है, ये इसको दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया, सबको दे दिया, तो ये क्या हो गया, फुल हो गए, क्या हो गए, पूरा फुल आयल वाले हो गए, हो गए कि नहीं फुल वाले, यानी 4 यहाँ से गायब हो गए। मैंने ये बोला था कि आप आयल्स ले सकते हो दूसरे का, अब एक ही गाड़ी को आपको मैक्सिमम दूरी तक ले जाना है, ठीक है, कितना दूरी तक एक बाइक जा सकती है, ठीक है, यहाँ पर आप आयल ले सकते हो दूसरे बाइक का, ऐसे नीड, ठीक है, तो ये फुल हो गया। तो अगर आप फिर बोलोगे कि अब तो ये मान लो कि अगर आप सोचोगे कि आयल ना दिया जाए, चारों को भेज दिया जाए, तो चारों को भेजोगे तो ये भी 200 किमी जाएगा, इधर 100 300 किमी ही जा पाएंगे, लेकिन अभी भी कंडीशन है कि आप आयल ले सकते हो, तो फिर आप क्या करना, फिर इसको 50 किमी चला देना, यानी आधा आधा इंजन आयल चला देना, आधा का मतलब ऐसे आधा इंजन आयल चला देना, और बाकी जो नीचे वाला इसको ये दे देगा, फिर इसको ये दे देगा, ये फिर क्या हो जाएगा, फुल, यहाँ पर कितना चल जाएंगे, 100 किमी पहले चले, फिर आपने 100 किमी चला दिया, बातें क्लियर। अब यहाँ पर 2 लोग बचे, हमें एक बनाना है, बस एक ही बाइक को आगे बढ़ाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इनको आधा चला देंगे, आधा इंजन आयल, ये रहा आधा इंजन आयल, ठीक है, बातें क्लियर। अब फिर क्या होगा, ये 100 किमी चला, ठीक है, दोनों चले, फिर ये इसको आयल दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, फुल, भाई आयल दे देगा तो फुल हो गया ना, तो ये कितना आप चलेगा अकेले बाइक, 200 किमी। तो आप देखोगे ध्यान से, 100, 100, 200, 300, 500, यानी 500 किमी एक बाइक चल जाएगा, अगर हम आधा आधा इंजन आयल बीच में शेयर कर लेते हैं। और देखो यहाँ पर जब इवेन है तभी मैंने काम किया, इवेन मतलब 8 लोग, क्या अगर 7 लोग होते तो हम काम कर पाते, नहीं कर पाते, 5 लोग होते तो काम कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है, वहाँ पर थिंकिंग थोड़ी अलग हो जाती है। अब देख रहे हो ध्यान से, मैंने 4-4 का पहले मैंने आधा इंजन आयल चलाया, 100 किमी चले सब लोग, फिर मैंने बोला ये चारों का ले लो, ये हो गया, फिर मैंने इनको आधा चलाया 100 किमी, ठीक है, फिर मैंने इस दो का इसको दे दिया, फिर दो बचे, फिर आधा चलाया 100, फिर ये इसको दे दिया 200 किमी, ठीक है। लेकिन क्या ये मेरा आंसर सही है, क्या 500 किमी मेरा आंसर सही है, क्या आपको लगता है 500 किमी ही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो एक बाइक चलेगा? नहीं, ये आंसर गलत है, इससे भी हम अधिक कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सोचने के लिए आप क्या करोगे, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इवन बाइकर्स हैं, इवन बाइक्स हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं ये बोल दूँ आपसे कि जो ये मेरा ये पूरा इंजन आयल है, ऐसे अगर 8 लोग हैं तो 8 से अगर मैं पूरे इंजन आयल को डिवाइड कर दूँ, कंप्लीट इंजन आयल को,
तो हो जाएगा ना, यानी 1/8 ऑफ इंजन ऑयल, यानी 1/8 ऑफ इंजन ऑयल में ये कितना दूरी जाएंगे ये भी सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 8 लोग हैं, इवन लोग हैं तो काम बन जा रहा है आपका, ठीक है। और ये नंबर 200 किमी है, ठीक है, एक फुल इंजन ऑयल में 200 किमी जा रहे हैं, तो जब 8 लोग हैं तो अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो कितना ही आगे जाएंगे, तो आप बोल सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना कि जितने लोग हैं 8 लोग हैं, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 से जैसे डिवाइड किया तो 25 किमी जाएंगे, कितना जाएंगे 25 किमी। तो इससे क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये है कि देखो ध्यान से, जैसे ही 1/8 ऑफ इंजन ऑयल यानी पूरे इंजन ऑयल का 1/8 हिस्सा खत्म हो गया, तो जो सबसे ऐसे होंगे जो सबका मान लो 8 लोग थे ऐसे थे, ठीक है, ऐसे 8 लोग थे, इनका 1/8 ऑफ इंजन ऑयल खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे कि जो सबसे नीचे वाला होगा उसका कितना इंजन ऑयल बचेगा, 7/8 बचेगा, 7/8 बचेगा। यहाँ पर ऊपर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, इनमें भी कितना ऑयल होगा, 7/8 होगा। क्यों 7/8 होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने बोला कि जो ये पूरा 8 बाइकर्स हैं तो मैंने इनका जो इंजन ऑयल है उसको 8 से डिवाइड कर दिया, यानी 1/8 ऑफ इंजन ऑयल चल गए। तो 1/8 ऑफ इंजन ऑयल जाएंगे तो कितना जाएंगे, 25 किमी जाएंगे, यानी सभी लोग कितना जाएंगे, 25 किमी आगे बढ़ेंगे। तो सबका तेल तो खत्म ही होगा, 1/8 इसका खत्म होगा, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, सबका 1/8 खत्म होगा, तो इसका बचेगा कितना, 7/8। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें आप चार चार हटा देते ना, आधा लोग को हटा देते थे, जैसे दूसरे स्टेप में जाते थे तो आधा लोग को गायब कर देते, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, एक एक लोग को गायब करो। कैसे, यहाँ पर 7/8 है ना, तो ये 7/8 का मतलब 7 हिस्सा, ठीक है। तो ये 7/8 में कितने 1/8 होंगे, 1/8 7 करके होंगे। तो अब इनके पास कमी कितनी की है फुल आयल होने के लिए, 1/8 की तो कमी है। तो आप फाइनली अब कर क्या दोगे, इनको ये वाला जब सभी आयल दे देगा, इनको 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 दे देगा, ये याद रखना है आपको, यानी ये नीचे वाला या कोई एक ये अपना आयल बाकी सातों को दे देगा। तो इसके बाद क्या हो जाएंगे, ये मान लो थोड़ा कम थे ऐसे थे, अब क्या हो जाएंगे, फुल आयल वाले हो जाएंगे 7 लोग, ऐसे फुल आयल वाले 7 लोग हो गए कि नहीं, फुल आयल वाले 7 लोग, एक लोग गायब हो गए। और कितना दूरी इन्होंने चल लिया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 25 किमी इन्होंने चल लिया, ठीक है। ऐसे ही 25 किमी चल लिए, तो अब आप देख रहे हो कि 7 लोग बचे, तो अब क्या कर सकते हो, क्या करो, अब 7 लोग है ना तो 7 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 7 से आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 200/7 किमी। और इसके पास कितना बचेगा, अब 6/7 बचेगा ना, क्योंकि भाई 7 से आपने डिवाइड कर दिया। आपको यही जानना है कि हम 8 लोग पहले थे तो 8 से डिवाइड किया था, अब 7 लोग हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नीचे वाले को बचेगा 6/7, ये अब किसको दे देगा, सभी ऊपर वाले को दे देगा, ठीक है। अगले स्टेप में यही होना ही है, सबके पास 6/7 बचेगा सबके पास। तो फाइनली कितने लोग बचेंगे, 6 लोग बचेंगे, ऐसे 6 लोग बचे। तो ये 25 किमी पहले गया था, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, देखो 25 किमी पहले गया था, 25 किमी पहले, अब कितना जाएगा, 200/7, ठीक है। अब यहाँ पर भी कितने लोग, 6 लोग हैं, तो अब किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 6 से आप डिवाइड करो, तो आप इसको क्या करो, अभी इसको 6 से डिवाइड कर दो। भाई 6 से किसमें डिवाइड करेंगे, 200 किमी को, यानी जो इंजन आयल है उसका 1/6 पार्ट यूज़ करेंगे। तो अब इसके पास कितना बचेगा, 5/6 आयल, ठीक है। तो अभी कितना दूरी जाएगा, 200/6 जाएगा, ठीक है। तो अगली बार में अब कितने लोग बचेंगे, हम देखो यहाँ पर एक एक लोग कटा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आधे लोग कटा देते हैं, पहले 4 फिर 2 लोग कटा देते, वहाँ पर आधा कंसेप्ट था, ठीक है, यहाँ पर एक एक लोग को कटा रहे हैं। तो अब ये इनको ये 200/6 चल गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में कितने लोग बचेंगे, 5 लोग, 5 लोग बचे। अब नीचे वाला अब क्या करो, यहाँ पर 5 लोग हैं तो 200/5 कर दो, ठीक है। तो अब कितने लोग अगले स्टेप में बचेंगे आपके, 4 लोग। ये समझ गए होगे तरीका आप मैंने क्या किया, ठीक है, 4 लोग बचे। क्योंकि आप समझ रहे हो कि जब आयल होगा तो नीचे वाले के पास कितना बचेगा, 4/5 बचेगा ना, 4/5 आयल बचा तो 1/5 इसको देगा, 1/5 इसको, क्योंकि सब में 1/5 की कमी आएगी, ठीक है, आप ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5/6 आयल था, सब में 5/6 होगा, इसमें भी 5/6, तो ये 1/6 इसको दे देगा, तो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा भाई। अगर ये 5/6 है तो 5 को 1/6 दे देगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, फुल हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसके पास अब कितना बचा था, 4/5, इसने 1/5 इसको दे दिया तो फुल हो गया। इसी प्रकार अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200/4, ऐसे ही 200 बटे आप 4 करोगे तो इसके पास कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, क्योंकि आपने 1/4 पार्ट खत्म कर लिया तेल का ना, क्योंकि आप समझ रहे हो जितना किमी आप जाओगे उतना तेल लगेगा, ठीक है। अगर आधा इंजन ऑयल जाते हो तो आधा दूरी जाओगे, अगर 1/4 ऑफ इंजन ऑयल यूज करते हो तो 1/4 दूरी जाओगे, वही कहानी यहाँ पर है। तो ये वाला आप गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितने लोग बचेंगे, 3 लोग, क्योंकि 3/4 इसके पास है, ये 1/4 इसको 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 दे देगा तो पूरा हो जाएंगे। फिर अगले स्टेप में आप क्या कर दोगे, 200/3 कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ये 2/3 बचेगा, क्यों 2/3 बचेगा आप समझ रहे हो, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला है ये सभी 1/3 ऑफ इंजन ऑयल यूज कर लिए, तो 2/3 इंजन ऑयल बचा ना, तो ये आयल इसको दे देगा, तो कितने लोग बचेंगे, 2 लोग, इसके पास भी 2/3 था, आयल पाकर पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 लोग आ गए, 2 लोग आने का मतलब हम 200/2 कर देंगे, ठीक है। ये किमी भी बताते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही अगला स्टेप आएगा तो इसके पास कितना बचेगा, आधा, इसके पास आधा, अब ये आधा वाला इसको दे दिया तो ये पूरा बच गया, अब पूरा वाला कितना चला जाएगा, 200, ठीक है, बातें क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या था, मैंने एक एक लोग को एलिमिनेट किया, ये एक एक लोग को एलिमिनेट करने से आप मैक्सिमम दूरी जाओगे, ठीक है। यहाँ पे
देख रहे हो इवन लोग थे। अगर यही बात आती कि अगर सात लोग होते तब भी हम कर सकते थे, सात लोग होते तब भी कर सकते थे, हम क्या करते शुरू में, जैसे मैंने बताया ठीक है, इवन वाला कंडीशन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप आठ वाले में भी कर सकते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा इंजन ऑयल को 1/7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/7 ऑफ इंजन ऑयल अगर आप यूज कर लेते हो तो बचेगा कितना इसका नीचे वाले का 6/7 यहाँ पर बच रहा है, तो बाकी ये 1/7 सबको दे देगा तो फुल हो जाएगा ठीक है। तो आड और इवेंट के लिए भी कर सकते हो ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। तो ये जो दूरी होगी इसको हम काउंट कर लेते हैं ठीक है। देखिए सबसे पहले जो सिंपल है 25 200 प्लस 25 ठीक है, और कौन कटने वाला है, ये 100, ये 4 से तो 4 से 50, ये 5 से 40, ये 6 से नहीं कटेगा 7 से नहीं कटेगा ठीक है। देखो ये दो लोग बस बचे, एक दो एक तीन ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं 200 बटे 7 100 बटे 3 कर लेते हैं सीधे इसको, 200 बटे 6 को 100 बटे 3, और यहाँ पर क्या हो गया 200 बटे 3 ठीक है। तो देखो इन दोनों को साल्व करोगे तो क्या मिलेगा, फाइनली आप जब इन दोनों को साल्व करोगे तो 100 मिलेगा सीधे, आप साल्व कर सकते हो ठीक है, क्योंकि देखो 100/3 है, 200/3 है, 100 होगा सीधे ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 900/7, 900/7 का मतलब 7 × 7 7 × 14 7 × 8 56 128 के करीब आएगा ठीक है, 128.5 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ा था सभी को ठीक है, तो फाइनली मेरा जो आंसर होगा 200, 350, 390, 415 और 128, तो कितना हो जाएगा 415 और 128.5 543.5 अप्रॉक्सीमेट होगा ठीक है, यानी 543.5 किमी के बराबर होगा ठीक है। बातें क्लियर। तो कहने का मतलब क्या था कि इसमें कंसेप्चुअल था जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था, यहाँ पर सिर्फ एक ही बाइक को आपको रीच कराना था कितना मैक्सिमम दूरी जा सकता है, और साथ में आप आयल यूज कर सकते हो, ये बोला था, दूसरे बाइक का आप आयल यूज कर सकते हो ठीक है। थोड़ा टिकी था क्वेश्चन समझने के लिए था ठीक है। तो यहाँ पे आठ बाइकर्स थे, तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि अगर मान लो कोई आयल किसी को नहीं देता है तो सब लोग कितना जाएंगे 200 किमी, लेकिन मुझे बोला कि एक बाइक को आप कितना मैक्सिमम दूरी ले सकते हो और दूसरे का आयल यूज कर लो, तो मैंने सोचा भाई दूसरे का आयल यूज करना है तो बीच में रोकते जाऊँ, तो मैंने क्या किया, चलो पहले आधा इंजन आयल खत्म करते हैं, तो आधा इंजन आयल खत्म हुआ तो चार लोग नीचे वाले का आयल इनको दे दो 100 किमी चलने के बाद, तो फिर ये चार लोग बढ़ने तैयार हो गए, फिर इनको आधा इंजन आयल चला दो 100 किमी चला ठीक है, 100 किमी सभी चलेंगे भाई, फिर आधा इनका खत्म हो गया तो फिर दो को थमा दो, फिर नहीं हो गया, फिर आधा 100 किमी चला दो, फिर नहीं हो गया, फिर 200, तो ऊपर वाले में आपका कितना आ रहा था 500, कितना रहा था 500 किमी, 100, 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
सकते हो। तो ये वाला एक लॉजिक था कि अगर आठ इंजन आयल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूरा इंजन आयल है उसको आठ से डिवाइड कर देंगे, या हम पूरी दूरी को आठ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितना इंजन आयल खत्म होगा उतना ही दूरी जाओगे। अगर आप 1/8 ऑफ इंजन आयल यूज करते हो तो दूरी भी कितना जाओगे, 1/8 ऑफ टोटल डिस्टेंस जाओगे। यहीं पर कहानी थी कि हमने क्या किया, आठ स्कूटर था या आठ बाइक था, तो मैंने बोला चलो 1/8 इंजन आयल यूज कर लेते हैं, तो सबके पास कितना बचेगा, 7/8, तो उसमें उतने कितनी दूरी चले गए, 25 की उन्होंने दूरी चल दी। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें समझ आते हो तो आपको सीधे एग्जाम में या कहीं भी बैठते हो तो सीधे आपको ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर आठ बाइक है तो आठ से डिवाइड करो, फिर सात से, फिर छः से, और सभी को जोड़ लो, मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। ठीक है, अगर सात बाइक है तो 200/7 जो भी नंबर हो, फिर छः पाँच ऐसे कर लो तो फाइनली आ जाएगी। ठीक है, देखो तो इवन और आठ दोनों के लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप सोचोगे ना तो आठ में आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि आप शुरू में ये वाला सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक तरीका ये था जिसको आपको जानना बुझे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।